आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे दीनी भाइयों और बहनों, मैं मोहम्मद जाहिद नासरी अल कासमी, हाफिज, आलिम, फाजिल, मुफ्ती और मदरसा सुफ्फतुस सहाबा वादी उमर शाहीन नगर हैदराबाद तेलंगाना स्टेट का फाउंडर और नाजिम हूँ। 2010 ईस्वी से कायम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 50 बच्चे हाफिज़े कुरान बन चुके हैं। इस साल 75 बच्चे 75 स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहकर और 25 बच्चे 25 स्टूडेंट्स आमद व रफ्त के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत मेयारी तालीम व तरबियत यहाँ से फराहम की जाती है और अल्लाह का फजल व करम है कि सालाना खर्च कमोबेश 24 लाख रुपए है, जो हमदर्दान मिल्लत के तआवुन से पूरा होता है। और मदरसे की ज़ाती इमारत मदरसे के नाम पर 270 गज़ पर मुश्तमिल मौजूद है, लेकिन अलग से क्लासरूम नहीं है। उसी में नमाज होती है, उसी में क़ियाम व ताम होता है, उसी में तालीम होती है। इससे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अरकान शूरा और इंतज़ामिया के मशवरे से एक 200 गज़ पर मुश्तमिल इस मकान की ख़रीदारी का एग्रीमेंट हुआ है और 22 जून 2024 को एग्रीमेंट हुआ है। 21 दिसंबर 2024 ईस्वी तक पूरी रकम अदा करनी है। 52 लाख रुपए में एग्रीमेंट हुआ है, 1 लाख रुपए अदा किए गए हैं और ये सब अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा रखते हुए ये एग्रीमेंट हुआ है। और हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर हैं, उनकी निगरानी में हुआ है और एग्रीमेंट पेपर में गवाह की हैसियत से उन्होंने दस्तखत भी फरमाया है। दारुल उलूम सबीलुस्सलाम हैदराबाद के नायब शेखुल हदीस, सदर मुदर्रिस और सदर मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वदूद मज़ाहिरी दामत बरकातहुम और हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातहुम और दीगर बहुत से अहले इल्म इस इदारे की सरपरस्ती फरमाते रहते हैं। जमीयत उलमा हिंद के साबिक सदर और अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह भी इस इदारे में तशरीफ़ ला चुके हैं और उन्होंने भी खुशी का इजहार फरमाया था। मैं हमदर्दान मिल्लत से गुजारिश करता हूँ कि ये रकम जो है 52 लाख रुपए, ये तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी रकम है, आप लोगों के हिसाब से भी बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इससे पहले जो मकान ज़मीन ख़रीदी गई और उसमें तामीर का काम किया गया, वो सब अल्लाह के फजल व करम से आप हजरात के तआवुन से हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए की वो बिल्डिंग मदरसे की ज़ाती है और अल्लाह ने चाहा और आप हजरात ने तवज्जो दी तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और अभी तकरीबन 4.5 महीने का वक्त बाकी है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तआवुन फरमाएँ। रजिस्ट्री खर्च के साथ 27,000 रुपये एक गज़ की कीमत है और एक स्क्वायर फिट की कीमत 3,000 रुपये हैं। आप चाहें तो एक गज़ अपने नाम करवाएं, अपने मरहूमीन के नाम करवाएं इसाले सवाब के लिए, ये सदक़ा जारिया का काम है। चाहें तो एक स्क्वायर फिट बुक कराएं और अगर उससे भी कम देना चाहें, 100 रुपये ना चाहें आप दें। मदरसे का स्कैनर भी इस पे डाला जा रहा है, डायरेक्ट आप मदरसे के अकाउंट में डालें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, हिसाबों किताब में भी आसानी होगी और रकम की अदायगी में भी आसानी होगी। अल्लाह, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं और गूगल पे या फ़ोन पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8125869606। फिर से एक बार सुन लीजिए, 8125869606। जज़ाकुमुल्लाह खैरा जी। अगर आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो ये हमारे लिए ज़्यादा खुशी और मसर्रत की बात होगी और हमारी और यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो असातज़ा और आमला खिदमत कर रहे हैं उन सब की हौसला अफजाई होगी। बेहतर होगा आप तशरीफ़ लाएँ। जामे मस्जिद मस्जिद महबूबिया है, उसके क़िबले की तरफ वाला जो प्लाट है वो मदरसे का प्लाट है और वादी उमर चौरस्ता शाहीन नगर हैदराबाद। आप एड्रेस पे तशरीफ़ लाइए।